एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। मुंबई के कुर्ला में एक सभा के दौरान छोटे ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी हमारा हिजाब उतारना चाहते हैं, दाढ़ी हटाना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या राहुल गांधी ने ठाकरे को महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में को मानने के लिए मना लिया है, या फिर ठाकरे ने राहुल गांधी को सावरकर की आइडियोलॉजी मानने के लिए मना लिया है। मुसलमान हिजाब उतार दे, तुम्हारी फिक्र क्या है मुसलमान दाढ़ी कटवा ले, तुम्हारी फिक्र क्या है मुसलमान टोपी न पहने। मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी पालूंगा, अपनी मस्जिद में नमाज भी अदा करूंगा। फर्ज तो छोड़ो, मैं सुन्नतों और नफिलों को भी छोड़ने तैयार नहीं हूं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, लेकिन मोदी योगी ये जान ले हम झुकने वालों में से नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह ही के सामने झुकेगा। कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेना के साथ और फिर उसके साथ एनसीपी के साथ, तो मेरा सवाल ये है, मैं शरद पवार साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी जानना चाहता हूं, क्या आप सरवाकर को और गोलवारकर को मानते हैं या नहीं? उनको हीरो मानते हैं या नहीं? सवाल ये है। मगर मैं बताना ये चाहता हूं, राहुल गांधी तो कई जलसों में कहते हैं कि सरवाकर को हम नहीं मानते, आरएसएस की थियरी को हम नहीं मानते, फिर आज आप शिवसेना ठाकरे के साथ इत्तेहाद करे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको महात्मा गांधी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए या वो सावरकर का सबक आपको पढ़ाने में कामयाब हो गए?